जय नरसिंह भगवान, जय विष्णु महाप्रभु। प्यारे दोस्तों और पुण्य आत्माओं, आज हम बात करते हैं बहुत शक्तिशाली भगवान नरसिंह के बीज मंत्र श्रों की। पुण्य आत्माओं, नरसिंह भगवान पुराणों के हिसाब से भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से चौथे अवतार माने जाते हैं और बहुत ही शक्तिशाली प्रभु हैं। भगवान नरसिंह का स्वरूप आधा मानव और आधा सिंह का है। सिर और धड़ मानव का, चेहरा और पंजे सिंह की तरह हैं। नरसिंह भगवान ज़्यादा साउथ इंडिया में और वेस्टर्न साइड में पूजे जाते हैं। दोस्तों, जब कभी जीवन में दुखों की, परेशानियों की सारी हदें पार हो जाएं, जीवन और मृत्यु का प्रश्न हो, चारों तरफ संकट ही संकट हो, मुकदमे, कोर्ट, कचहरी, उस समय विष्णु जी के उग्र अवतार नरसिंह भगवान को उनके प्रचंड शक्तिशाली मंत्र के द्वारा पुकारा जाता है। नरसिंह जी का बीज मंत्र है श्रों, मतलब श का मतलब नरसिंह भगवान, रा का मतलब ब्रह्म शक्ति, ओ का मतलब शक्तिशाली भयानक रूप वाले भगवान, और बिंदु जो है ऊपर दुख हरण। दोस्तों, जैसा इसका नाम वैसा काम, चमत्कारी देवता हैं, बहुत शक्तिशाली भगवान हैं। इसलिए कमज़ोर दिल वाले इस बीज मंत्र का जाप ना करें और ना ही उपयोग करें, मतलब सामान्य साधक इस शक्तिशाली नरसिंह बीज मंत्र से दूर रहें। अगर उनको करना है तो किसी गुरु से मार्गदर्शन लेके समझ के ही करें। पुण्य आत्माओं, ये बीज मंत्र क्या करता है? ये आपके शरीर में, प्राण शक्ति में, सारे जितने भी बॉडी के अंग संग हैं, शरीर हैं, तीव्र कंपन पैदा करता है। ये शक्तिशाली मंत्र है। जैसे कोई भी बीज आप जमीन में डालते हैं, जैसे पीपल का, आम का, चने का, सरसों का बीज, वह बढ़ जाते हैं, उसी तरह नरसिंह बीज बहुत उग्र तरीके से शरीर और इसकी जो तरंगों में असर करता है, नसों में हमारी, जिससे शत्रुओं का नाश होता है, बीमारियों से राहत मिलती है, तंत्र बदाओं से भी छुटकारा होता है, सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाती है, घर के वस्तु दोष, फैक्ट्री के वस्तु दोष खत्म हो जाते हैं, पारिवारिक क्लेश से तुरंत मुक्ति, भूत पिशाच, अकाल मृत्यु का डर, कोर्ट कचहरी सब खत्म। क्योंकि एक करंट ही ऐसे पैदा करता है, इसकी वाइब्रेशन ही ऐसी है। अब श्रों मंत्र को जपें कैसे? इस बीज मंत्र को लाल रंग के आसन पर, कमल आसन में बैठकर, अपना मुख साउथ की तरफ रखकर नित 1000 बार जपना है। जाप सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, होली, दिवाली या और किसी शुभ दिन इसका अधिक लाभ होता है अगर जपें तो। अब हाथ में आप शंकर माला, मूंगे की माला, चंदन की माला ले सकते हैं, भगवान के लिए मीठा फल फूल रख सकते हैं। दोस्तों, ये बीज मंत्र बहुत भाव और श्रद्धा से करना है। बीज मंत्र का अर्थ है, देव तेजस्वी ब्रह्म स्वरूप श्री नरसिंह मेरे दुख दूर करें। ये भावना रखनी है, ये सच्ची भावना साधक के अंतःकरण में होनी चाहिए। इस मंत्र का जाप शनिवार को या अमावस्या के दिन बहुत प्रभाव डालता है। अब इसका जपने का टाइम है रात को 8 बजे के बाद। दोस्तों, जब ये मंत्र को हम जपते हैं तो ये शत्रुओं का दमन और आप की जो आत्मा है उसका आत्मविश्वास बढ़ा देगा, साधु को बल और पराक्रम प्राप्त होगा, सब प्रकार के जो दुख हैं उनका नाश करेगा और हर तरह की रक्षा करेगा।
एक अजीब सा करंट आपको फील होगा घट काश के अंदर, मतलब बॉडी के अंदर। श्रम जैसे ही आप करोगे अंदर एक हलचल मच जाएगी तूफान की तरह। पुण्य आत्माओं ये बहुत ही शक्तिशाली और स्ट्रांग होता है, इसलिए इसको निष्ठावान साधक ही जपें। पुण्य आत्माओं सही तरीके से नरसिंह बीज मंत्र का जाप करके नरसिंह भगवान की कृपा पा सकते हैं, पर कंडीशन भावना की है। अब आंखें बंद हैं, रात को जैसे ही आप जपोगे इसको श्रों 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 श्रों। इस जपने के टाइम पे सारा ध्यान नरसिंह भगवान की पिक्चर के चरणों पे रखना है और कृपा मांगते रहना है उनसे। तो ये आप कोशिश करिए और आपको तुरंत लाभ मिलेगा। हर हर महादेव। नरसिंह भगवान की जय हो। भगवान विष्णु की जय हो।